बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आप सबको इस्लाम के मौसम में शामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुहर्रम अल इहराम का महीना शुरू हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं, एक वजीफा बताने जा रहे हैं, वो यकम मुहर्रम से लेकर पाँच मुहर्रम तक करने वाला अमल है। यानी आप ये अमल पाँच मुहर्रम तक कर सकते हैं किसी भी दिन। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये अमल अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सख्त माली परेशानी तंगदस्ती की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, गुर्बत में वजह से मुख्तलिफ परेशानियों में गिरे हुए हैं, तो उनके लिए ये एक मुजर्रब अमल है। आप इसको एक मरतबा जरूर करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका असर आपको खुद नजर आएगा। आपके कारोबार में माल में कैसे बरकत पैदा होती है आप खुद देखेंगे। तो नाजरीन चलते हैं वजीफे की जानब। नाजरीन, वो अमल हम आपको बता देते हैं, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज तवज्जा से सुन लें ताकि आपको ये अमल ठीक तरीके से समझ आ सके और बाद में किसी परेशानी का सामना ना हो। अमल क्या है जरा गौर से सुन लें। आपने करना ये है कि आपने पांच मुहर्रम से पहले पहले किसी भी दिन चावल लेने हैं, कम से कम एक किलो चावल, और उनमें से एक मुट्ठी चावल अलहदा कर लें। अगर आपकी मुट्ठी बड़ी है तो आप किसी छोटे बच्चे से मुट्ठी भर चावल अलहदा करवा लें। आपने ये अमल यकम मुहर्रम से पांच मुहर्रम तक किसी भी दिन करना है। आपने जो मुट्ठी भर चावल अलग किए हैं उनके हर दाने पर आपने अल्लाह हुस्समद का विर्द पढ़ना है। आपने हर दाने पर यह लफ्ज पढ़ना है। मुट्ठी भर चावलों के एक एक दाने पर आपने अल्लाह हुस्समद पढ़ना है। अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या दुरूद खजरा पढ़। और आपने ये अमल एक दिन में या फिर एक मुहर्रम से पांच मुहर्रम के दिनों में मुकम्मल कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि एक मुट्ठी भर चावलों पर आप एक दिन में ही पूरा अमल कर लें, आप इसे दो तीन दिनों में भी मुकम्मल कर सकते हैं। जब आप उन चावलों पर ये अमल मुकम्मल कर लें तो उन चावलों को उन दूसरे चावलों में जिनसे आपने मुट्ठी भर चावल अलहदा किए थे उनमें मिक्स कर देना है। फिर वो जो सारे चावल आपने किसी ऐसी जगह पर रख देने हैं जहां पर आपको पता हो कि परिंदे आएंगे, या फिर किसी नदी किनारे रख दें जहां पर मछलियां वगैरह इनको खा सकें। लेकिन इस एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि ऐसी जगह रखें कि दम किए हुए चावलों पर किसी का पाँव ना आए, क्योंकि आपने उन चावलों पर अल्लाह के नाम का विर्द किया है तो इस तरह से आपको गुनाह मिलेगा। इस वजीफे की बरकत से आपके रिजक में इतनी बरकत होगी कि आपसे माल कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके रिजक में इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो लोग गुर्बत की वजह से परेशान हैं, माली परेशानी का सामना है, या फिर गुर्बत की वजह से जो घरेलू परेशानियां होती हैं, माल में तंगी होती है, तो ये मुजर्रब अमल है, रूहानी हल है इन सब परेशानियों का। आपके रिजक में बेपना इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर आपने ये अमल सारा साल हर इस्लामी महीने के शुरू के दिनों में कर लिया तो भी आपके रिजक में खैर व बरकत होगी। तो आप इस अमल को ज़रूर करें और इसके साथ प्लीज़ रिज़्क़े हलाल कमाएं, क्योंकि रिज़्क़े हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। और साथ साथ पाँच वक्त की नमाज की पाबंदी भी ज़रूर करें। अमल क्या है आपको दोबारा से बताते चलते हैं कि आपने पाँच मुहर्रम से पहले पहले एक किलो चावल लेने हैं और उनमें से मुट्ठी भर चावलों को अलहदा कर लेना है। उन मुट्ठी भर चावलों पर आपने अल्लाह ताला के नाम अल्लाह हुस्समद का जिक्र करना है। उन मुट्ठी भर चावलों के एक एक दाने पर आपने अल्लाह हुस्समद पढ़ना है और फिर उनको ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर परिंदे या मछलियाँ वगैरह आती हों, यानी किसी नदी किनारे रख दें। लेकिन इस एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपने किसी ऐसी जगह रखना है जहां पर किसी के पांव आने का खदशा ना हो, क्योंकि इस तरह से आपको गुनाह मिलेगा। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अमल का तरीका अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी बात में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को सदके जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकें, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इस्लामिक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें
ताकि इसी तरह की और नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।